इस वक्त पूरी दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही है। इस बीमारी से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाने की तैयारी की जा रही है, लेकिन अब तक इसका इलाज सामने नहीं आया। वहीं जब से कोरोना वायरस सामने आया है, तब से ही बेतुके बातें भी मार्केट में आ चुकी हैं। पर आए दिन कोरोना वायरस का कोई बहाना और तर्क सामने आता रहता है। हाल ही में ऐसा ही एक कोरोना वायरस को लेकर मामला सुनने में आया है, जिसे सुनकर या तो आप लोग हंस पड़ेंगे या ये सोचेंगे कि सामने वाला ऐसा कैसे कह सकता है। ये मामला सामने आया है पाकिस्तान से, जहाँ के एक मौलवी का बोलना है कि हमारे डॉक्टर हमेशा हमें ज़्यादा सोने का सुझाव देते हैं। जितना ज़्यादा हम सोएंगे उतना ही वायरस भी सोएगा। ये हमें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। जब हम सोते हैं तो ये सो जाता है, जब हम मरते हैं तो ये मर जाता है। आपको बता दें कि पाकिस्तान इस समय चुनौतियों से जूझ रहा है। इसी बीच मौलवी साहब ने ये बेतुका का बयान दिया है। इस वीडियो क्लिप को पत्रकार नैला इनायत ने ट्वीट किया है। एक ट्विटर यूज़र इंडियन मुलगी ने लिखा कि वो क्यों इस बारे में विज्ञान को बताते हैं। एक ट्विटर यूज़र ने लिखा कि इसका मतलब वास्तव में ये आपकी कॉपी करता है, ये एक चाइनीज़ वायरस है इसलिए ये कॉपी करेगा। मुझे उम्मीद है कि लोग इस अजीबोगरीब तर्क को सुनकर यहाँ पर खुदकुशी नहीं करेंगे। पाकिस्तानी मौलवी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग इस पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि कौन सा वैज्ञानिक तरीका इस बात की पुष्टि करता है कि हम सो जाएंगे तो कोरोना भी सो जाएगा। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के आंकड़ों में पाकिस्तान 135,000 से भी ऊपर पहुँच चुका है और वहाँ दिन ब दिन कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में मौलवी का ये बयान आना एक बेतुका तर्क है, जिसका लोग खूब मखौल बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।